कालवाड़ में अवैध हथियार की रकम वसूलने आए बदमाश फाइनेंसर का किया अपहरण। जयपुर के कालवाड़ इलाके में मंगलम सिटी में रहने वाले फाइनेंसर का रविवार देर रात बदमाश अपहरण करके ले गए। खरीदे गए अवैध हथियार की रकम वसूली के लिए बदमाशों ने फाइनेंसर को अगवा किया, जिसके बाद देर रात सड़क पर पटक कर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, लेकिन कार सवार बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने बताया कि अपहरत आदित्य जैन फाइनेंस का काम करता है। वह कालवाड़ रोड स्थित मंगलम सिटी में फ्लैट लेकर रहता है। घटनाक्रम के मुताबिक देर रात बिल्डिंग में तीन युवक घुसे, जिन्होंने अपने आप को क्राइम ब्रांच का होना बताया और फ्लैट को खुलवाकर आदित्य जैन को पकड़कर अपने साथ ले गए। कार में तीन युवक उसके बैठाकर अपने साथ ले गए। देर रात करीब 1 बजे फाइनेंसर आदित्य जैन को सड़क पर पटक कर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने कार सवार बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकाबंदी करवाई। सूत्रों की माने तो आदित्य जैन ने कुछ समय पहले अपहरण करने वाले बदमाशों से अवैध हथियार खरीदा था। अवैध हथियार लेने के बाद बदमाशों को उसकी रकम अदा नहीं की थी। करीब 3-4 माह पूर्व आदित्य जैन पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके पास अवैध हथियार मिला था। पुलिस ने आम सेक्ट में आदित्य जैन को गिरफ्तार कर अवैध हथियार जब्त कर लिया था। जेल से बाहर आने के बाद से ही हथियार बेचने वाले बदमाशों ने आदित्य पर हथियार की रकम देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। पुलिस प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि अवैध हथियार की रकम वसूली के लिए देर रात बदमाश उसको अपने साथ ले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।